अप्रैल 2022 में आरसीबी नए कप्तान के साथ मैदान में उतरने वाली है। बता दें कि पिछले सीजन में ही विराट कोहली ने आरसीबी की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया था। आईपीएल के 15वें सीजन के लिए फ्रेंचाइजी ने फैब डुप्लेसिस को कप्तानी सौंपी है। आईपीएल के इतिहास में बेंगलोर ने अब तक कोई खिताब नहीं जीता है, लेकिन टीम में अब 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस बार बेंगलोर को पहली बार खिताब दिला सकते हैं। बता दें कि आईपीएल 2021 के तहत बेंगलोर को प्लेऑफ तक पहुंचाने में हर्षर पटेल का अहम योगदान रहा था। हर्षर पटेल ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। आरसीबी इस वजह से गेंदबाज को 10 करोड़ 75 लाख खर्च करके 15वें सीजन के लिए अपने साथ जोड़ा है। वहीं हर्षर पटेल ऐसे गेंदबाज हैं जो आरसीबी को चैंपियन बनाने का बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। बेंगलोर की टीम में खतरनाक स्पिनर वंदू हसरंगा भी हैं जो अपनी घातक गेंदों के लिए जाने जाते हैं। और आपको बता दें, फैब डुप्लेसिस आरसीबी टीम में तीसरी खिलाड़ी खुद कप्तान फैब डुप्लेसिस होंगे जो चैंपियन बना सकते हैं आरसीबी को इस बार। फैब डुप्लेसिस अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। माना जा रहा है कि उनका जलवा अब आईपीएल 2022 के तहत देखने को मिल सकता है। पिछले सीजन में चेन्नई सुपर किंग का हिस्सा रहते हुए फैब डुप्लेसिस ने धमाकेदार बल्लेबाजी की थी और चेन्नई सुपर किंग को चैंपियन बनाया था। इस बार देखना है कि ये तीनों खिलाड़ी आरसीबी को खिताब दिला पाते हैं या नहीं।